जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। पूरे नेट 2:05 हुई है जी। ट्रैक्टर गिर गया था, ट्रैक्टर वही बाहर खड़ा है पेट्रोल पंप पे, जाके चेक करते हैं। आज तो मैं उठा ही नहीं, 1:18 पे नींद आई, जाग आ गई मेरे को, वैसे बस दोबारा नींद नहीं आई है। वैसे तो मैं जाग आ गया 12:30 जाग आती थी, मेरे को चक्कर मार के जाता था, फिर मैं आज तो आया ही नहीं। पता नहीं, डर तो डर ही होता है, वही साधन का बनेगा। चलो देखते हैं जी, भागते हैं जी दिल्ली की तरफ। जो बात लेके आए थे उतारने के लिए, नए भी उसको बता रहा हूँ। जो रेगुलर हमारे को देख रहे हैं वो तो सभी को पता ही है। हाँ, एक लगा हुआ अपने पीछे मोटे वाला ट्रैक्टर। चलते हैं जी, शुरू करते हैं, भागते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। जय हो आपकी। संतोष रेड्डी है, रात भी उसके फ़ोन आए थे, काफ़ी सारे फ़ोन आए उसके कल भी। कह रहे भैया मैं ही उतारूँगा, दूसरे लेबर मत लेके आना कभी भी आप। मोटे वाला और ये अपने वाला। बॉर्डर पार करके दिल्ली में एंटर हो चुके हैं जी। पहुँचे हुए हैं जी, 2:20 पे चले थे और 4:22 पे पहुँच गए। 2 घंटे 2 मिनट में हमने 55-56 किलोमीटर का दायरा तय करके पहुँचे हैं जहाँ पे लेबर उठाते हैं। भड़क कर रखी है इसने भी, 10 फोन में तो फ़ोन उठाया, अब भी आधा घंटा हो गया बैठे को। पता नहीं, समझ में नहीं आ रही मेरे को क्या गेम खेल रहा है ये। ना तो मना ही करता कि भाई मेरे से नहीं होगा, कितना ही खुश होके सुबह ट्रैक्टर पे बैठ लूँ मैं, आते ही इसके साथ में भड़क शुरू हो जाती है। और यहाँ से चलेंगे, रास्ते में भी भड़क आते वक्त तो चलो भाई ठीक है, सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सुबह सुबह से ये सलामत आ जाता हूँ। यहाँ पे इसके पास में फ़ोन करते ही आधा घंटा पहले फ़ोन करना पड़ता है, आधा घंटा यहाँ वेट करना पड़ता है, 1 घंटा ख़राब करता है। और पास में ही मकान है इसका, मकान तो क्या किराए पर रहता है बेचारा तो। और भट्ठे पे भी भड़क है, सारी जगह भड़क भड़क, मेरे लिए पता नहीं क्या हो रहा है। फिर भी धक्का दे रहा हूँ भाई जैसे तैसे करके, फिर भी सारी परेशानियाँ पीछा छोड़ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान कर रहा है 2-4 दिन से। और चलो भाई तेरे को भी, मैं सोच रहा हूँ धक्का आ जाएगा 15 तारीख तक, या फिर जितने दिन भी काम करें तब तक। पर लेकिन मेरे को लगता नहीं कि भाई ये तो इसको तो खुद मना करना पड़ेगा। मैं तो खुद मना कर गया था कल परसों जब खाली कर रहा था, ये ज़्यादा ही उकड़ दुकड़ कर रहा था। पर मैं कहा भाई कल से तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम अपने आप चलेगा, कोई भी बंदा आ जाएगा। लेबर बहुत सारी टाली है वैसे तो अभी, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई काम चलता रहे, यहाँ से बंदे मिल जाते, अकेला आ जाता हूँ। मेरे को नहीं पता भाई क्या सिस्टम चल रहा है, बस चलो देखते हैं जी। खाली करेंगे, 2 जगह उतरेगी, 3500 साइड पे जाएंगी, 2000 स्टॉक पे लगेगी जाती। और मैंने बोला था इसको कि भाई जल्दी आ जाना, 2 जगह उतरेगी, 1 घंटा फालतू लगता है अगर 2 जगह ट्रॉली उतरती है तो। उसके बावजूद भी मैंने इसको बोला था कि भाई वहाँ जल्दी आ जी, फिर भी उतना ही टाइम लगाता है, 1 घंटा डेली ख़राब करता ही करता है। 4:30 मैंने इसको फ़ोन करा था, ये भी 1 घंटा हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो देखते हैं, इसको भी बाय बाय कहना पड़ेगा कि भाई बहुत हो गया तेरा मेरा। लेकिन मैं कह नहीं रहा, चलो देखते हैं जी, उतारते हैं। पहुंच गया हम तो, ये देखो 2 बंदे आए यार फिर भी। अरे कह रहा था 4 बंदे आएंगे। भाई वो कर ले, 2000 लगे हैं यहाँ, 1000 लाइन है बिल्कुल, 50 की दारी गिनके मार लियो, 3-4 इन में मार ले, 5-5 लाइन गिनके, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 लाइन है इनकी, 5 में मार ले, 4 5 में मार ले,
पिछले ने छोड़ दिए, दो चार और दो छह, एक सात लाइन हो गई इनकी, और लगे नहीं चार छोड़ लंदा। चल इब तो ठाली है ठाले, एक तो एक और रिश्ते, फिर इब तीन तीन रहने दे डाले पे, पर लगे नहीं वो ज़्यादा बार थी, और लगे नहीं चार रह जानी, पर लगे नहीं तीन छोड़नी थी। अब तीन 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 चार चार धारी ठहर गए, और फिर वो चार धारी डंडा साफ करके फिर घुमा देंगे। उतारने के लिए लगे हुए हैं जी, रात 1:18 पर जागा कि 11 में सोया ही था, 2 घंटे 11 12 1 1 घंटा 20 मिनट 18 मिनट ऐसे कुछ सोया। 10:30 तक मैं, 10:30 11 तक मैं एडिट करके सोया था वीडियो को, और पता नहीं अब कुछ ज़्यादा ही तंग कर रही है नींद। पहले पूरे 24 घंटे भी ट्रैक्टर पर बैठा रहता था मैं, जब दिल्ली ईंट लेके आते थे, ईंट बहुत महंगी थी, 8.5 से भी ऊपर ईंटें थी, 9,000 तक के रेट थे, 24 घंटे बैठा रहता था। गाँव से ईंट भरते थे, चैल भट्टे से गाँव में भट्टा है सियाराम भट्टा, वहाँ से ईंटें भर के यहाँ आते थे, और 3-4 ड्राइवर थे हम, मैं और 2 UP से थे, एक रामफुल्ला भाई था, तो 2 ड्राइवर वो थे यूपी वाले, और 2 लेबर वाले थे, 4 बंदे थे, लेकिन चलाना चलाना था, उतारते वो 4 ही थे, 2 ट्रैक्टर थे, 605 अपना नोवा अर्जुन, और ये अपने वाला 575, इसकी जगह दूसरा भी होता था कभी कभी, वो दूसरे वाला 575 अपने वाला। और तब भाई वहाँ से गांव से चलते थे शाम को 7 बजे 6:30 बजे 8 बजे ऐसे चलते थे, यहाँ पहुँचते थे 4 बजे सुबह के, यहाँ पे फिर उतार के यहाँ से जाते थे इसी मार्केट में, सोनीपत वाली में, खरगोदा वाली मार्केट में भट्ठों पे जाते थे, वहाँ से टैल लोड करते थे, वहाँ से टैल लोड हो जाती थी शाम को 9 बजे तक, 8 बजे तक, 7 बजे तक, वहाँ से फिर चलते थे। वो तीनों ड्राइवर बदल जाते थे, कभी वो कभी वो कभी वो, लेकिन मैं नहीं बदलता था, मैं बैठा ही रहता था 605 पे, क्योंकि कंफर्टेबल ट्रैक्टर था वो, और इसीलिए ही मैंने लिया था उसको कि भाई अच्छे तरीके से चलता है, सीट साट सब कुछ, साइड गियर था बढ़िया तरीके से, कार जैसे पैडल थे क्लच के और ब्रेक के, और एक्सीलेटर भी बढ़िया थी, और सब कुछ बढ़िया था, ट्रैक्टर 5 गियर थे उसमें, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर था, मेरा पसंदीदा ट्रैक्टर था भाई, मेरा ड्रीम था उसका भी, चलो वो तो एक अलग कहानी है, वो कैसे गया कैसे नहीं गया, ठीक है जी। उसके बाद में फिर वहाँ से चलते थे 7-8 बजे 9 बजे चल के, वहाँ से गांव में पहुँचते थे अपने गांव में, वहाँ से गोहाना सोनीपत से मार्केट से भर के, सोनीपत मार्केट से भर के गोहाना, गोहाना से जींद, जींद से अपना गांव या फिर कैथल, रुकते थे कैथल होटल पे, रोक देते थे ट्रैक्टरों को, बाइक वहाँ पे खड़ी रहती थी, बाइक वहाँ से लेके फिर घर पे जाते थे सुबह के 4 बजे 5 बजे 3 बजे ऐसे पहुँचते थे भरे हुए, टायल भरे हुए, फिर अगले दिन रेस्ट करते थे, फिर अगले दिन सुबह 2 बजे उठते थे और फिर जाते थे पटियाला टायल उतारने के लिए। एक में 12,000 थी और एक में 10,000 थी, नहीं एक में 11,000 एक में 13,000 टाइलें थी अपने पास में, यही ट्रॉली थी इसमें 11,000 टाइलें थी, और दूसरी जो ट्रॉली थी उसमें 13,000 टाइलें थी, वो 13-7 की थी, ये 13 की लंबाई और 7 की चौड़ाई वो थी ट्रॉली, अब भी है यहाँ पे आसपास में, दिखा दूँगा मैं कभी, आजकल मैं दिखा दूँगा। और उसके बाद फिर हम, और ये जो अपनी वाली ट्रॉली है ये 7.5 की है चौड़ाई में, और लंबी 12.5 की है, ये उससे छोटी थी इसीलिए इसमें 11,000 आती थी, 575 पे ही थी, लेकिन ट्रैक्टर दोनों बराबर के थे, ये भी पूरा खियेड़े ट्रैक्टर है, और 605 के बराबर में ही चलता था ये भी, पर थोड़ा सा ये कम्फर्टेबल कम था, वो ज़्यादा कम्फर्टेबल था क्योंकि उसका बेस बड़ा था, लंबा, हाइट सब कुछ, 14 के टायर थे, और 49 हॉर्सपावर में ट्रैक्टर था भाई, ये 45 में था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा ट्रैक्टर, अच्छी क्वालिटी में ट्रैक्टर था, 7.5 लाख रुपए का लेके आया था मैं। और भाई फिर जाते थे वहाँ से, एक दिन रेस्ट होता था, फिर भी मैं 24 घंटे बैठता था, 2 बजे सुबह के चले गए, वहाँ से आते थे रात को 11 बजे 10:30 बजे 12 बजे खाली करके, टाइलों में टाइम लगता था, कई जगह 2 जगह भी उतर जाती थी, दो जगह मतलब 4 जगह होगी, जाना उतारना खाली करनी पैसे लेके आने, बाइक होती थी हमारे साथ में, फिर वहाँ से हम ड्राइवर छोड़ देते थे दोनों ट्रैक्टरों पे, और कभी कभी जब एक ही जगह चक्कर उतारना होता था और पैसे भी नहीं लेके आने पड़ते थे, पैसे तुरंत मिलते थे तो बाइक नहीं ले जाते थे, फिर मैं ही बैठता था, खुद मैं खुद ले जाता था, और वो अदल बदल के वो चला लेते थे। फिर
हम पटियाला पहुंचने के बाद में खाली करके रात को आते थे 9-10 बजे, अगले दिन सुबह फिर लोड करते थे इंटे, फिर आते थे वहीं पे यहाँ पे। जब नींद का मेरे को पता भी नहीं था भाई, इतना मतलब कि जुनून था, मतलब नींद का कोई मेरे को आता पता नहीं था। सारे बोलते थे कि भाई भैया आप सोते ही नहीं, वो यूपी वाले दोनों ड्राइवर थे वो बोलते थे कि भाई भैया आप सोते ही नहीं। मैं कहा भाई मेरे को नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं उनमें से सारे में जिम्मेवार आदमी था। फिर मैं सारा जो यहाँ का भेद था वो सारा दिल्ली का मेरे को ही था। तो फिर और आते वक्त भी आरटीओ वगैरह एक दिन तो बंद हो गया था जींद में, मैंने बताया था पहले भी, जींद में बंद हो गया था ट्रैक्टर दूसरे वाला, और मैंने जो 605 था वो नहीं बंद होने दिया। मैंने उनका फ़ोन आया कि भैया आरटीओ मिल गया और बंद हो गया ट्रैक्टर, मैंने फटाफट गली में घुसा दिया, एक सड़क सी थी उसमें घुसा दिया फटाफट, और आरटीओ की गाड़ी बिल्कुल मैंने घुसाई और उतर के नीचे रोड पे आए कि भाई कैसे जाएंगे वहाँ पे पिछले ट्रैक्टर के पास में, पीछे था 575 ये वो दूसरे वाला। और मैं जैसे ही उतर के आया गाड़ी पीछे खड़ी थी आरटीओ की, फिर लेकिन अंधेरे में ट्रैक्टर था अपने वाला, वो रोड पे गाड़ी को बंद कर रही थी, तो उसको गाड़ी को बंद करते हुए महा मैंने बोला कि भाई महा ये देख ये रही आरटीओ की गाड़ी, फिर कह रहा, फिर वो कह रहे कि भाई हाँ वाकई में ही थी। फिर वो पीछे चलो एक तो बच गया था, फिर उसका बंद हो गया था, 11,000 रुपये का चलान हो गया था, और उसमें भी बड़े हाथ पैर जोड़े पड़े थे रामपुर को, तो पुलिस वाले ने थप्पड़ भी मार दिया था। चलो फिर भी जैसे तैसे हो गया था, पर अब नींद जो है ना, नींद के ऊपर बता रहा हूँ मैं, अब नींद मेरे ऊपर हावी होने लग गई है, क्योंकि 1.5-2 घंटे ऐसे सोता हूँ, और जितना नींद को बढ़ाओगे उतना बढ़ेगी, जितना घटाओगे उतना घटेगी, लेकिन मेरी नींद अब घटाना चाह रहा हूँ तो मैं घट नहीं रही है, दुखी कर रही है। मतलब पता नहीं तो मैं आलस हो गया ज़्यादा ही कुछ, पता नहीं भाई मेरे को नहीं पता क्या सिस्टम है, लेकिन दिन में भी सोता हूँ 4-5 घंटे, 2 घंटे 1.5 घंटा 1 घंटा दिन में नींद पूरी नहीं होती है, बस ये बात है। लेकिन आते ही अगर खुशी के साथ में ये लोग आते ही ईंटे उतारने लगे ना, तो फिर मन ख़राब नहीं होता, लेबर वाले से ही हों तो इसमें थोड़ी बहुत अड़चन आती है बस धंधे में। वैसे तो टेंशन भरा माहौल ही है, यहाँ से जाओगे तब भी माहौल खाली भरे हुए आते हैं, तब टेंशन नहीं होती है। जब जिप्सी वाला मिल जाए पुलिस वाला तब तो समस्या होती है, तब तो टेंशन होती है, लेकिन ऐसे समस्या नहीं होती है। मैं यहीं पे बहुत सारा बोल गया तो ये बात है जी, प्रॉब्लम तो वही हर चीज़ में है, लेकिन फेस करना और उससे निपटना ये दोनों बहुत सारा फ़र्क है। बहुत मुश्किल से घुमा के लगाई है, सारी दसन पसन हो रही है बारिश के कारण। दिन देख लो भाई कैसे निकला, हाँ 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 क्या बात है, नज़ारे सूर्य देवता जी महाराज प्रकट होने वाले हैं। हाँ इस पे 3 थी पीछे वाली पे, अगली पे 2, फिर 2, 3, 4, 7 और 3, 10 धारी थी इनकी, 50 हो गए ना। हाँ 3, 4, 6, 8 की ऊंची है सारी, 8, 6, 48 48 में तो 10 गई 38 और 12 और पट लाने हैं तेने, 12 नहीं 2, हाँ 2 पट और लाने हैं ऊपर, 2000 करनी है, होगी ना कंप्लीट। ये साइड पे चलते हैं, इस साइड पे पहले उतारी हुई है, वहाँ पे दिखाता हूँ, राजस्थानी वाले की लगी हुई है ये, अब उतारी थी पहले चक्कर लो जी लगा दिए यहाँ पे, पहले उतार के गए थे पूरी ट्रॉली। राम राम भाई, राम राम आलिया आज तो वेट में बैठा था फिर, तो फोन किसने उठाया फिर तेरा, वो तेने उठाया, अच्छा वो तो किसी और ने उठाया फिर, किसी और ने उठाया फोन तेरा, भाई ने उठाया होगा, तेरे पापा ने उठाया होगा। बोली थी 300 भाई, एक ना मकान बनाया है और उसके जाएंगे खुली सारी, उसका काम चलाना जरूरी है, तो अब तक आया हूँ 2000 ईंट, और वो क्या बताऊँ थे, क्या बता रहे थे भैया, भैया को 5500 बोले थे भैया, कल सुबह आ जाएगी गाड़ी, 31 तारीख के बोले थे, 31 नहीं आया, एक तो आएगा, एक शाम को गया था, करे 3 भैया एक दिन चल तो मार चक्कर नहीं था, अरे गाड़ी लोड हो रही नहीं फिर, कल गाड़ी नहीं लोड हुई हमारी, परसों नहीं लोड हुई, कल आया ही नहीं मैं, तब वो 2000 स्टॉक में उतार के आया हूँ, वो खुली जाऊंगी 1000 दो बार में, तो कई दिन का लफड़ा छिड़ गया भाई, टूटी हुई तो बस 50-700 150 पूरे टोले में 150 आ जाए, अली पहलवान
पानी की बोतल ले भाई, टूटी हुई थे भाई, मिस्त्री ने टूटी हुई पकड़ाया करो, हम खुद मकान बनाओ हो, एक घंटे डाल भाई इसमें रही टेडी करके, हाँ टेडी करके लिया रहा है मिस्त्री ने मिस्त्री ने हाथी दिया करो भाई टूटी हुई, हाथ में पकड़ाया करो उपर फेंकने तो भी टूटी, फेंकने तो थोड़ी टूटा ईंट मारी यार, कोई भी ना ले अगर फेंकने तो टूटी पूरी यार है, हाँ कम है एक नीचे तो कम है चाचा, नीचे मार पहला एक ईंट, अरे वैसे ही रख ले पहला, कोई दिक्कत ना भाई तुमने तो गिनती पूरी जाओ, मैं कम होगी कम बताऊंगे, फालतू होगी तो बता देंगे, फालतू पांच चार होगी तो भाई टूटी हुई था, तुम पैड पर दरिया करो मिस्त्री के हाथ में, अपने आप था अब सबूत ने भी तोड़ता होगा ना मिस्त्री का, ये तो रोड़ा है आज फिर टूटी हुई पकड़ाया करो भाई, सियाणा आदमी तेरे पप्पा रहा तेरे पप्पा ने कहा करो भाई, नहीं तो सारा ढेर लग जाएगा फिर टूटी हुई जाएगा, यह बात है ये फिर कम आएगी रही इसमें, जो पाँच नंबर साइड वाला था पीर बाबा रोड वाला, तो उसकी इंटे अब स्टॉक से जाएंगी, वो साइड गई नहीं अपने हाथ से, अपने हाथ में ही है ये इंट, पसंद आई है उनको, स्टॉक पर लगाते रहेंगे, खुले उनकी जाती रहेंगी फटाफट, यहाँ भी खाली होने वाली है, इसलिए भीड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे जाम लगता है डेली, बस के भी लंदर भंदर ढीले हो रहे हैं, गोंडे से ट्रैक्टर देख लो कैसे आते हैं, सिद्धू मूसे वाला चलिया हुआ है, सिद्धू मूसे वाला गाड़ी है, गाड़ी चल गाड़ी है पीछे चल, अबे आज तो गाड़ी भर रही है और एक ट्रैक्टर ये खड़ा अपने से पहले, ये है कोई वो ट्राली दिखा देता हूँ मैं आपको, और ये तीसरा अपने गिल्ले आ गया ये ट्राली थी भाई अपने छह से पांच के पीछे, ये थी देखो ये थी इस टायरों, ये कील चली गई, पंचर हो रहा और भरना भी लग गया, पंचर वाला भी बुला लिया, यहाँ पे आधी बरी बराई डाला बंद करवा दिया, पलटन का डर है बस, पल परली तरफ पलट ना जाओ, जैक लगाओगे तो जुटिया खान बाबा, खान बाबा बंगाली क्या होगा, अरे कील गड रही है दिख नहीं लग रही तेने, दोनों तरफ होटल लगा दी हुई, गार्ड स्टोर में कहां से आया, इसका है ये कार्ड, इस तरह के कार्ड तो पूरी दुनिया में बस पांच ही है, अगर इस कार्ड के मालिक को पता चला कि इस कार्ड की इस तरह बेइज्जती, उठ गया बेटा यार भी, वो इस स्टोर को नहीं पूरे मॉल को खरीद कर तुम लोगों को सड़क पर ले आएगा, और पहला तो बहुत ज्यादा थे, ये तो बहुत सुविधा होगी, खुल गया खुल गया, ये खत्म हो गया, खट गया ये लंगोट बोलते हैं इसको, भाई कंप्लीट हो गया ये याद रखना, नई टेप है बिल्कुल फ्रेश, इन्हें काट ले पहला, और भी देख लिए कील काल छोटी मोटी, ये रे देखो मेरे से कर ले चेक, कितनी है अंदर दो नाप साल का
मैं थोड़ा ही बहुत होया करा पंचर दो ना चलता थोड़ा ही बहुत होया करा ये इससे तो बस नहीं मैं है ना ये तीन से देख लो अजय पंचर लगा के चला गया भाई भरने वाली है कंप्लीट हो जाएगी 5 मिनट के अंदर अंदर ₹1500 रुपये बन गए थे एक पंचर लगा टायर में और पंचर के पैसे ₹800 पंचर के थे अगर अकेला पंचर होता तो अब 800 पंचर के थे फिर एक पच लग गया 4 नंबर का और एक लंगोट फट रहा था वो 1500 मांग रहा था भाई ₹1100 लग गया। हेलो जी सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं बस मरगे जी रस्सा लगे तरपाल लगी कंप्लीट करके भागते हैं कमरे की तरफ जी और इंद्रधनुष देख लो अगर दिख रहा हो तो आपको खड़ा कर दिया सीबीसी पे जा रहा हूँ काफ़ी दिन से बिल नहीं लिया ना तो उसी के सिलसिले में बिल लेके आ रहा हूँ एक महीने से बिल पेंडिंग है अपना सारा अभी बना हुआ रखा है सीबीसी पे क्योंकि उस भट्टे का और उस भट्टे का दोनों भट्टों के खाते यहाँ पे होते हैं मेन मुंशी यहाँ पे बैठता है हेड मुंशी तो वहाँ पे थोड़ा टेम्परेरी सिस्टम है यहाँ पे ओरिजिनल वाला सिस्टम है तो यहाँ से रोक के लेके बिल फिर भाग गए कमरे की तरफ शाम देख लो बादल कैसे छाए हुए हैं ले जी ले आया दिखा नहीं सकता पूरा बढ़िया वाला बादल उठ रहा है रामचंद्र जी महाराज अगर बरसेंगे तो पहुंचे जी कमरे पे इतने बड़े बड़े बादल उठाते हैं राम जी मैं हवा खाने के लिए आ गया खाना मैंने आज वहां से मंगवाया टिफिन अब आएगा खाना 8 बजे 7:30 हो रहे हैं आधा घंटा बचा है तब तक वीडियो एडिट कर लेता हूँ नहाना धोना तो मैं बाद की बात है ठीक है जी बस इस वीडियो को एंड ही करते हैं जी कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना इस वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों को जल्दी के वीडियो तब तक के लिए बाय थैंक यू जय श्री राम जय बजरंगबली जी महाराज पूरा मूड सा खराब हो जाता है बस पैसे लग जाते हैं कभी कभी पैसे तो आनी जानी चीज़ होती है पैसे तो लगने तो कोई बात नहीं ठीक है जी एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और शेयर कर देना भाई सब्सक्राइब बढ़ने की बजाय घट रहे हैं रोज चलो।